नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप सभी को न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव और शक्ति के मिलन का दिन यानी महाशिवरात्रि। इसी दिन माँ पार्वती ने गौरीकुंड के कठिन ध्यान और साधना से शिव जी का मन जीत लिया था। इसी दिन भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के खास मौके पर भक्तों में काफी उल्लास देखने को मिलता है। आपको हम अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाएंगे, अलीगढ़, फरुखाबाद, गोरखपुर, श्रावस्ती की, जहां पर श्रद्धालुओं में देखिए किस तरीके से एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये चारों जगहों की तस्वीर, जहां पर एक तरफ देखिए किस तरीके से मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का हुजूम, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और साथ ही फरुखाबाद की तस्वीर आप देखिए, मंदिरों के बाहर इतनी सुंदर सजावट कर रखी है महाशिवरात्रि के खास मौके पर। और इस दिन श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। और ये देखिए, फरुखाबाद के बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार एक अलग भीड़ देखने को मिल रही है, एक अलग लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं में अलग भीड़ देखने को मिल रही है, अलग उत्साह श्रद्धालुओं में आज के दिन देखने को मिलता है। शिव और शक्ति के मिलन का दिन है महाशिवरात्रि। इस दिन श्रद्धालुओं में अलग एक उत्साह और साथ ही एक खुशी देखने को मिलती है। जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं श्रद्धालु। और साथ ही बता दें आपको कि इसको लेकर चारों जगहों की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रावस्ती की भी आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह ही यहाँ पर श्रद्धालु मंदिरों में पहुँच जाते हैं जल अभिषेक करने, और उसके बाद महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत वे रखते हैं। और साथ ही बता दें कि ये चारों जगह की अद्भुत तस्वीरें, जहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और धनेश कुमार संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनेंद्र, धनेश, किस तरीके से गोरखपुर में उत्साह है श्रद्धालुओं में, कैसी वहां पर श्रद्धालुओं में प्रसन्नता देखने को मिल रही है, मंदिरों में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है आज के दिन? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मंदिरों में जोर से ही लगातार जो श्रद्धालु है आके लंबी लाइन लगा रहे हैं, किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर में लाइन लगाए हुए, भगवान शंकर को जो है जल चढ़ाने के लिए लाइन लगे हुए हैं। और बात करें अगर गोरखपुर की, तो आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने सुबह भी भगवान शिव की पूजा आराधना की है और रुद्राभिषेक किया है, और सभी जो है देश और प्रदेश के सभी आम जनमानस की जो है उनके मंगल कामना भी की है। और बात करें यहाँ पे महादेव झारखंडी और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर भी है यहाँ पे, जहाँ पे मुख्यमंत्री अभी कुछ देर बाद वहाँ पे प्रस्थान करेंगे, वहाँ जाके भगवान शिव की पूजा आराधना भी करेंगे। और बात कर रहे हैं श्रद्धालुओं की, तो बहुत ही रास्ता है जुड़ा हुआ है। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि कोरोना काल में जो दो वर्ष उनके रह गए थे मंदिरों पर नहीं जा पाए थे, और कोरोना काल से बाहर निकले हैं और मंदिरों पर जाके उन्होंने जलाभिषेक भगवान शिव को किया है और सबके मंगल कामना की बात कही है सभी श्रद्धालुओं ने। जी धनेश, इस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रशासन की तरफ से कैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो और वे दर्शन भी अच्छे से कर ले? जी बिल्कुल, कल ही गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ये सभी जनपद के थाने प्रभारी चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर दिया था कि सभी जो शिवालय है, मंदिर है, वहाँ पे चार चौवन सुरक्षा लगाई जाए। सीसीटीवी फुटेज, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए हैं, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए महिला कांस्टेबल भी वहाँ उपस्थित उपलब्ध कराया गया है कि किसी भी तरीके से महिलाओं को, बच्चों को या आने वाले श्रद्धालु, किसी भी एक श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत हो। कला नीति बहुत सी कई जगह लगाए गए हैं। अगर देखा जाए मुख्यमंत्री का भी आगमन होना है वहाँ पे मुक्तेश्वर धाम पे, तो पहले से ही चार चौवन पूरी सुरक्षा की गई है, जिससे महिलाएं और कोई भी श्रद्धालु, आने वाले श्रद्धालु को रेल भोर से ही सभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, उनको उनके रास्ते में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और महिलाओं के लिए खास सुरक्षा के इंतजाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पहले से चार चौवन, लेकिन पहले से सारी सुरक्षा कर दी है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
धनेश, जिस तरीके से महाशिवरात्रि का खास मौका है और इस खास मौके पर शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है, विवाह का दिन होता है, रातों में भी पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु नजर आते हैं, सुबह भीड़ कब से देखने को मिली और रात में भी कीर्तन वगैरह किया जाएगा, तो मंदिरों में क्या रात के लिए भी श्रद्धालुओं के लिए भी प्रशासन ने अलग व्यवस्था किया है, साथ ही बुजुर्गों के लिए भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, मंदिरों पे रात में भजन कीर्तन चलते हैं, महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का जो है विवाह का दिन माना जाता है, शिव पार्वती का विवाह का दिन माना जाता है, तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है ये श्रद्धालुओं के लिए। और श्रद्धालु अनेक मंदिर है गोरखपुर में, लगभग दर्जनों मंदिर है जो अच्छे मंदिर है, वहाँ पे कीर्तन व्यवस्था पूजा भी की जाती है, बुजुर्ग जुटते हैं, सारी महिलाएं जुटती है, तो उनको भी लेके जो चार चौवन पूरी रात तक जो कीर्तन भजन चलेंगे, चार चौवन प्रसाद की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी मुस्तैद व्यवस्था है, कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर बात करें सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं रास्ते में, कि कहीं भी किसी श्रद्धालु को कोई अगर दिक्कत होती है, कोई बात होती है, तो सीसीटीवी पूछे खंगाल के उससे कार्रवाई की जा सकती है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में भी मौजूद है, उनके लोग भी आओ, चार चौवन पुलिस प्रशासन यहाँ गोरखपुर का है। जी बिल्कुल धनेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और महाशिवरात्रि के खास मौके पर श्रद्धालुओं में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग भक्तिमय माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा बता दें आपको कि चार जगहों की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अलग अलग जगहों की तस्वीर, जहाँ अलग ही श्रद्धालुओं में अलग भीड़ उत्साह देखने को मिल रही है, मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की सुबह से ही यहाँ भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही महाशिवरात्रि के खास मौके पर यहां श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अलीगढ़ में अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों को बाहर देखने को मिलती है और रात तक आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। यहां पर भजन कीर्तन का रात में आयोजन किया जाता है और साथ ही प्रशासन भी आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से मौजूद है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रशासन की तरफ से एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही फर्रुखाबाद की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से मंदिरों में अलग ही एक तस्वीर देखने को मिलती है। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं और साथ ही बता दें कि शिवरात्रि के खास महाशिवरात्रि के खास मौके पर ये एक श्रद्धालुओं में अलग खुशी देखने को मिलती है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद नजर आता है। और हमारे साथ सूर्य प्रकाश शुक्ला संवाददाता श्रावस्ती से जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, किस तरीके से श्रावस्ती की तस्वीर है, कैसे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों में क्या अभी भी श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वर्षों के बाद इस वर्ष भी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही जो शिव भक्त है वो लगातार आ रहे हैं, जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जिले में लगभग 27 शिव मंदिर स्थल है जहाँ पे 30 अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। आपको ये बताना चाहते हैं कि भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य के फागुन मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें शिव की आराधनी पार्वती का विवाह पर्व को मनाया जाता है, जिसमें शिव भक्त के वहाँ जलाभिषेक करते हैं, लगातार कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और शिव को अपने आराधना कर उनके मनोकामना पूरी की उन्होंने निवेदन भी कर रहे हैं। जी सूर्य प्रकाश, इस दौरान शाम में क्या कुछ आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से शिव और शक्ति का विवाह करवाया जाएगा, क्योंकि मंदिरों में भी अलग तरीके से आयोजन किया जाता है, आज के दिन विवाह की आज करवाया जाता है और इस दौरान काफी श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तो प्रशासन ने कैसे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रावस्ती में 27 शिव मंदिरों पर 30 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे और सकुशल पूजा अर्चना और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम शिव पार्वती के विवाह के साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कस्बा इकौना और कस्बा भिनका में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है जो निकाला जाएगा, उसमें भी निगरानी के लिए लगातार पुलिस बल मौजूद है, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है सभी जगह मंदिरों में, मजिस्ट्रेट के लिए आदेश दिए गए कि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत उत्पन्न न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए, उनको लगातार जो जलाभिषेक करने लोग पहुंच रहे हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, कहीं भीड़ ना हो, कोई मतलब वहां पे ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार अधिकारी निगरानी भी कर रहे हैं और लगातार मंदिरों के सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।
इस दौरान और श्रद्धालुओं में श्रद्धालु आज के दिन पहुंचते हैं, प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आती है, लेकिन यहाँ पर काफी मंदिरों में आज के दिन भीड़ भी देखने को मिलती है, तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? सुबह 4 बजे से लगातार श्रद्धालु जब जलाशय करने पहुंचे तो लगातार एक-एक भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते प्रशासन वहां मुस्तैद था, पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद थे, जो लोगों को एक एक करके एक एक बारी बारी लोगों को जलाभिषेक करवा रहे थे, और लोगों को जो बच्चे थे, महिलाएं थी, उनके लिए अलग लाइन लगा दी, जो वहां महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल की तैनाती है, जो महिलाओं को एक एक महिलाओं को जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये पर्याप्त व्यवस्था की है। तो या तो अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, समय ज्यादा हो रहा है, 11 बजने के आसपास है, तो अब कुछ मंदिरों में भीड़ की तादाद कम हुई है, लोग अभी भी आ रहे हैं जलाशय करने, भक्तगण पहुंच रहे हैं जलाशय कर रहे हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है, तो तरीके से जलाभिषेक हो किया जा रहा है, अभी भी पूजा अर्चना और सारी चीजें चल रही है। जी शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीर 4 जगहों की आपको दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि के खास मौके पर, ये अलीगढ़ फर्रुखाबाद की तस्वीर देखिए, और साथ ही बता दें कि गोरखपुर श्रावस्ती की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, महिलाओं बच्चों के लिए भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है, वहीं बुजुर्गों के लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है, मंदिरों में आज के दिन ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए अलग अलग लाइंस में इसको डिवाइड किया गया है, और महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं भी आराम से दर्शन कर ले, भगवान की पूजा कर ले, और किसी तरीके से कोई घटना भी ना हो, क्योंकि महाशिवरात्रि के खास मौके पर अलग एक भीड़ देखने को मिलती है श्रद्धालुओं में, और साथ ही मंदिरों में भी श्रद्धालु की अलग एक भीड़ देखने को मिलती है, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है आज के दिन को लेकर, और उसके बाद से ये तस्वीर जहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो किसी तरीके की कोई घटना ना हो और श्रद्धालु आराम से भगवान की पूजा कर ले, और शाम के वक्त काफी खास माना जाता है महाशिवरात्रि के मौके पर, इस दिन पूजा पाठ करवाया जाता है, साथ ही कीर्तन भी करवाए जाते हैं और विवाह भी करवाया जाता है शिव जी और पार्वती जी का, और महाशिवरात्रि के खास मौके पर एक अलग उत्साह उमंग देखने को मिलता है श्रद्धालु में, आज दिन श्रद्धालु व्रत भी करते हुए नजर आते हैं, कहा यह जाता है कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि के खास मौके पर निर्जला व्रत किया जाता है, इससे काफी ज्यादा फल मिलते हैं, और कुमारी जो महिलाएं होती है वो भी व्रत करती हुई नजर आती है, साथ ही जो विवाहिता होती है वो भी व्रत करती हुई नजर आती है, और आज के दिन सुबह ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच जाते हैं। और हमारे साथ आकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, और आकाश आज महाशिवरात्रि के खास मौके पर कैसे श्रद्धालुओं में अलीगढ़ में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों के बाहर, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि का यह पर्व एक महाशिवरात्रि के रूप में जो है लोग जहाँ व्रत मना रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करके जो शिव भक्त हैं वो कावड़ी लेकर के जो है राजघाट के नरोरा से लेकर के अलीगढ़ तक आते हैं, अलीगढ़ के आने के साथ साथ ही जो है देर रात 12 बजे के बाजे में ऐसे ही यहाँ पर जो है कांवड़ियों का आना शुरू हो गया था, जिसके बाद से जो है लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पर लग गई। हालांकि आपको बता दूं कि खेरेश्वर मंदिर जो है वो लोधा क्षेत्र स्थित एक जगह पर है, वहाँ पर आपको बता दिया है कि मंदिर समिति की ओर से और पुलिस बल की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, जो भी कांवड़िए जो भी शिव भक्त वहाँ पर आ रहे हैं उनके रुकने और ठहरने की उचित व्यवस्था वहाँ पर कर रखी है। हालांकि आपको बता दिया है सुबह से लेकर अब तक जो है काफी लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जो है जलाभिषेक किया, महादेव के दर्शन किए, उसके साथ साथ ही आपको बता दिया है मंदिर समिति की ओर से पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। हालांकि दो लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, एक लाइन में जो महिलाएं हैं और एक में पुरुष हैं, कोई अव्यवस्था ना होने के पाए इसके चलते ही यहाँ पर जगह जगह मंदिर समिति के लोग और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है किस तरीके से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, और कांवड़ियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और साथ ही कांवड़ियों के लिए क्या उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई है, और किस तरीके से सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिलती है तो शाम होते होते और भी ये भीड़ अधिक होते हुए नजर आएगी, तो कैसे प्रशासन ने इसको लेकर अलग अलग व्यवस्था की है शाम के लिए भी?
देखिए आपको बता दिया जाए कि जो प्रशासन ने पहले से ही जो रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है, जैसे कि जो आम रोड है उस पर जो है किसी तरह की ट्रैफिक जो है जो वाहन जो है भारी वाहन है उनको जो अलग रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसको क्योंकि देखा जा रहा है कि लाखों जो श्रद्धालु हैं वो जो है मंदिर पर पहुंच रहे हैं, और मंदिर पर पहुंचने के साथ साथ ही जो दूर दूर तक जो रोड है उस पर काफी भारी मात्रा में कांवड़िए देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो भारी भारी जो वाहन है जो बाहर से जो वाहन आ रहे हैं उनको जो है रूट डाइवर्ट करके अलग रूट से निकाला जा रहा है। और आपको बता दिया है कि कांवड़िए जो है देर रात से यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, तो मंदिर समिति की ओर से जो है कांवड़ियों को रोकने और ठहरने सोने की अलग उचित व्यवस्था कर रखी थी, जब तक कि वो जो है मंदिर में प्रवेश करेंगे उससे पहले जो है वो यहाँ करके रुक सकते हैं, नहा सकते हैं, उसके बाद जो है मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ ही वो जलाभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अलीगढ़ की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, और ये भीड़ शाम होते होते और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, कांवड़ियों के लिए भी अलग इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बता दें कि महिला बच्चे बुजुर्ग जो कि दर्शन करने आएंगे पूजा करने आएंगे उनके लिए भी अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। साथ ही इस बढ़ते हुए भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से रूट्स भी डिवाइड कर दी जाती है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अलग अलग जगहों की तस्वीर, अलीगढ़ की, फर्रुखाबाद की, गोरखपुर की, श्रावस्ती की, ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि के खास मौके पर एक अलग उत्साह उमंग श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। और इस दिन बता दें कि शिव और जो शक्ति होती है पार्वती जी उनका विवाह करवाया जाता है, और साथ ही बता दें कि शाम के वक्त भी मंदिरों में इसी तरीके की कतारें देखने को मिलती है। कांवड़िए आते हैं इस दिन गंगा जल लेकर जल अभिषेक करने और साथ ही पूजा पाठ करने के लिए तमाम मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आते हैं। और साथ ही ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार महाशिवरात्रि के खास मौके पर किस तरीके से एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं। प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों में भीड़ बढ़ती हुई नजर आती है प्रशासन इसको लेकर काफी मुस्तैद नजर आते हैं। और साथ ही प्रशासन की तरफ से कांवड़िए हो या महिलाएं बच्चे हो सबके लिए अलग अलग इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती हुई नजर आती है प्रशासन इसको लेकर पहले से ही अपील करता हुआ नजर आता है कि शांतिपूर्व आप मंदिरों में जाए पूजा पाठ शांतिपूर्वक करें, किसी तरीके से कोई उपद्रव या कोई घटना नजर ना आए। और ये लगातार आपको बता रहे हैं हम अलीगढ़, फर्रुखाबाद, गोरखपुर और श्रावस्ती की चारों जगहों की मंदिरों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से फर्रुखाबाद में मंदिरों में श्रद्धालु गंगा जल दूध चढ़ाते हुए जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं, और अद्भुत तरीके से आज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत काफी अहम माना जाता है, इस दिन व्रत करने से जिन लड़कियों का जल्दी विवाह नहीं होता है उनका विवाह हो जाता है, साथ ही जो विवाहिता होती है वो कहीं ना कहीं उनके पति की उम्र काफ़ी लंबी हो जाती है, बच्चों में अच्छा उन बच्चे अच्छे से रहते हैं उनके। और जिस तरीके से आज के दिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि महाशिवरात्रि के खास मौके पर एक अलग उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। और हमारे साथ फर्रुखाबाद से आदेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और आदेश किस तरीके के श्रद्धालुओं में उत्साह फर्रुखाबाद में देखने को मिल रही है, मंदिरों में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है और किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या भीड़ अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए मैं बता दूं पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव के मंदिरों में शिवलिंग की लोग पूजा कर रहे हैं, गंगा जाकर स्नान कर रहे हैं और कांवड़ भरकर शिव भक्त ले जा रहे हैं बड़ी संख्या में। उस तरीके से फर्रुखाबाद जनपद में भी शिव के मंदिर में भक्तों की बड़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, लगातार जो है लाइनें बढ़ती ही जा रही है और भीड़ भक्तों की बढ़ती जा रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त जो है शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ा कर पहुँच गए मंदिर में। आदेश देखिए मैं बता दूं सुबह 7 बजे से भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है मंदिरों में इस तरीके से, और पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है और जो है श्रद्धालु लगातार भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और भांग धतूरे चढ़ाकर अपनी मनोकामना जो भी मांगना चाहते हैं वो मांग रहे हैं और मनोकामना उनकी पूर्ण होती है भक्तों का कहना है। जी
जिस तरीके से आदेश फर्रुखाबाद में भक्तों का तांता मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही बुजुर्ग और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन की चप्पे चप्पर परेशानी नजर आए, चप्पे चप्पर लेडीज और महिला कांस्टेबल और लेडीज पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, और वहीं पर पुलिस की जो है हर मंदिरों में पैनी नजर है। पुलिस जो है मंदिरों के बाहर बड़ी संख्या में लगी हुई है, और जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इससे काफी किसी को कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। जी आदेश, आज के दिन कांवड़ी भी काफी ज्यादा आंकड़ों में पहुंचते हुए नजर आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है? क्योंकि शाम के बाद मंदिरों में भजन कीर्तन भी देखने को मिलता है और भीड़ आज के दिन लगातार बढ़ती भी ही नजर आती है, तो क्या उनके लिए कोई अलग इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है कल जो है हमारे एसपी ने जो है का नाम सिंगी रामपुर घाट का निरीक्षण किया था, जहां जो है मध्य प्रदेश और जो है का नाम उत्तराखंड जैसे और कन्नौज आसपास के जनपदों से जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कांवड़ के लिए जल भरने आते हैं, जल भरकर ले जाकर अपने जनपद के लिए भगत सिंह भक्तों को चढ़ाने के लिए जाते हैं। उस तरीके से वहाँ भी जो है पुलिस चौकन्नी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, किसी भी कांवड़ी और किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जी बिल्कुल आदेश, जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं मंदिरों में शाम के वक्त क्या कुछ आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से, और क्योंकि सुबह तो इतनी भीड़ देखने को मिलती है मंदिरों में, तो शाम के वक्त क्या कुछ अलग आयोजन किया जाता है मंदिरों में आज के दिन? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है अब सुबह से शाम तक ये जो पूजा पाठ चल उसके बाद प्रशासन की पैनी नजर है, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और किसी भी प्रकार की किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल आदेश, और जिस तरीके से ये फर्रुखाबाद की तस्वीर हम देख रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उम्मीद है कि काफी अच्छे इंतजाम किए हुए होंगे और श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये तस्वीर चार जगहों की, अलीगढ़ की, फर्रुखाबाद की, गोरखपुर की और श्रावस्ती की, जहाँ पर मंदिरों में आज के दिन सुबह से ही तांता लगा हुआ नजर आता है, अलग उत्साह का माहौल देखने को मिलता है, भक्तिमय माहौल देखने को मिलता है और प्रशासन तरफ से भी काफी अहम इंतजाम किए हुए रहते हैं, क्योंकि भीड़ दिन मतलब बढ़ती हुई नजर आती है और इसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आता है। कांवड़ियों के लिए भी अलग व्यवस्था की जाती है आज के दिन, और साथ ही ये आपको हम महाशिवरात्रि के खास मौके पर चार अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से आज के दिन श्रद्धालुओं में किस तरीके के उत्साह, खुशी, भक्तिमय माहौल यूपी में चार जगहों पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। और चार अलग जगहों की आपने तस्वीर देखी है किस तरीके से आज महाशिवरात्रि के खास मौके पर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी काफी मुस्तैद है क्योंकि तमाम इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, जिससे किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और श्रद्धालुओं भी आराम से भगवान के दर्शन कर ले और आज का दिन काफी अच्छे से उनका व्यतीत हो। अच्छे से कांवड़ियों के लिए भी अलग व्यवस्था की जाती है प्रशासन की तरफ से महाशिवरात्रि के खास मौके पर। फिलहाल हमारे लिए इतना ही इस बुलेटिन में। नमस्कार।